हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। क्लास टेंथ का ये चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस चैप्टर की हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसमें हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए और 7.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने उसमें सॉल्व आउट किए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना जाकर, ताकि आपके सारे फॉर्मूले वगैरह याद हो सके और प्रैक्टिस भी कुछ प्रॉब्लम की हमने उसमें दिखाई वो भी आप कर सके। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस पूरी वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ताकि आप उस वीडियो को भी ध्यान से देख सके। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 7.1 की कुछ प्रॉब्लम छूट गई थी हमारी पिछली वीडियो में, हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, x पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदु इतने से समदूरस्थ है। देखो, हमने कहा था x अक्ष पर y बराबर 0, x अक्ष पर y का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये कोई x अक्ष पर y का मान तो 0 होगा और x का कोई मान होगा। समझ में आ रही बात? y का तो मान 0 होगा, x का कोई मान होगा, उसको हमने मान लिया x। और दो बिंदु दिए, 2 × −5 और दूसरा दिया भाई −2 × 9। तो कहा ये बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ है, तो x तो वो बिंदु ज्ञात करना, हम तो इस बिंदु को ज्ञात करना यानी x का हम मान ज्ञात करना। इसको हमने बोल दिया a, इसको बोल दिया हमने b, इसको बोल दिया हमने c। तो हमें दिया है, क्या दिया हमें भाई, कि हमें दिया AB बराबर AC। ये दोनों दूरी हम आपस में बराबर दे दी, तो हमें AB ज्ञात करनी है, AB ये दूरी ज्ञात करनी। तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए क्या वही फॉर्मूला लगाऊंगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, x1 − x2। x1 का मान x और x2 का मान 2, यानी x − 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 − y2 यानी 0 − 5। 0 − −+ होता है 0 + 5 का होल स्क्वायर का वर्गमूल बराबर। ठीक है, इसी प्रकार हम ए सी ज्ञात करेंगे। ए सी यानी पहले में से x − 2, तो −−+ होता है x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 − 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने ये फॉर्मूले में मान रख दिए। अब इसको हम हल करते हैं। देखो यहाँ पर इसको इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है a − b के होल स्क्वायर का। तो a − b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या हो, a − b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² − 2ab। और a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² + b² + 2ab। दोनों सूत्र की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर। लगाओ इसमें a की जगह x, x² + 2 का स्क्वायर 4 − 2ab, तो 4x + 5 का स्क्वायर 25 = 2। और यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाओ, x² + 2 का स्क्वायर 4 + 4x, 9 का स्क्वायर 81। अच्छा, दोनों और वर्ग है, यहाँ वर्गमूल है, तो दोनों और का वर्गमूल भगाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ लिख देना दोनों ओर वर्ग करने पर। जब दोनों ओर का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं हम इस साइड का ना। ये होगा हमारा x² − 4x + 29, 25 × 4 = 29 = यहाँ पर भी x² + 4x + 85। ठीक है, x की पावर से ये कट जाएगा। ठीक है, और भाई इसको माइनस वाले को उस साइड में शिफ्ट कर लेंगे, तो 4x है ये उधर जाएगा, 4 × 4 = 8x हो जाएगा। देखो 8x, और ये 29 उधर भेजेंगे तो +85 − 29 = 0 हो जाएगा। 8x 5 = 15, 15 + 9 घटाएंगे 6, और भाई यहाँ रह जाएंगे आपके, एक दाई ली थी ना, 7 × 7 = 5 + 0, तो 8x = −56, x = −56/8, 856। तो x का मान कितना आएगा, −7। तो बिंदु क्या प्राप्त हो गया, वो बिंदु जो समदूरस्थ था वो बिंदु होगा −7/0। ये आंसर है इसका, x की जगह क्या आ जाएगा, −7/0। तो −7 जो 0 जो बिंदु है, इन दोनों से क्या है, वो समान दूरी पर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम से बन सकता है।
हमने चैप्टर इसलिए लिया कि अभी बोर्ड का एग्जाम से भी टेंथ का होना है, मैथ का पेपर अभी तक कंप्लीट नहीं है उत्तराखंड में, और जो बच्चे 9th से 10th में उनके लिए भी लाभदायक रहेगा। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं इसी एक्सरसाइज की। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं इसी चैप्टर की। हम दिया है वाई एक्स का मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से, देखो दो बिंदु दिए हम पी, इसके निर्देशांक दिए 2 व -3, और क्यू दिया एक बिंदु, इसके निर्देशांक दिए 10 व y, और इनके बीच की दूरी दी हम, इनके बीच की दूरी दी हमें 10 मात्रक। तो हमें y का मान ज्ञात करना, किसका मान ज्ञात करना, y का। अब देखो d बराबर वही फॉर्मूला लगाते हैं हम, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल, ठीक। और d का मान हमें दे दिया कितना, 10 बराबर वर्गमूल x1 की जगह लिखा 2 और x2 की जगह लिखा 10, 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह लिखा -3 और y2 की जगह क्या लिखा y - y का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करने से ये भाग जाएगा और इधर वर्ग लग जाएगा, लिखना होगा दोनों ओर वर्ग करने पर, तो 10 का स्क्वायर कितना आता है 100, तो ये 2 में से 10 घटा कितना बचेगा -8, 8 का स्क्वायर 64, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है प्लस। अच्छा, ये कितना -3 - y, तो माइनस इसको हम लिख सकते हैं -3 + y का होल स्क्वायर, इस तरह लिखेंगे इसको, हम ऐसे लिखेंगे, माइनस हमने कॉमन ले कर लिख दिया, तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस। अब इसका इसमें 64 को इधर भेज देंगे, 100 - 64 बराबर, इसमें सूत्र लगा देगा 3 का स्क्वायर 9, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा रहे +6y, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4 गए 6, यहाँ रह जाएगा 9 में 6 गए 3 इजिकल टू ये 9 इजिकल टू 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 6y, 9 को भी धर ले आएंगे तो 36 - 9 इजिकल टू आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। तो 36 में से हम कितने लेस कर रहे हैं, 9 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 27, कितना बचेगा 27, तो यानी वाई स्क्वायर प्लस 6y इजिकल टू 27 की धर लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इजिकल टू 0। अब इसके गुणनखंड करने हैं, 27 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर 6 हो, तो 9 + 27 9 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 6, तो ये आ गया हमारा वाई स्क्वायर प्लस 9 - 9 = 27, ऐसे लिखेंगे वाई माइनस 27 इजिकल टू 0, गुणनखंड ऐसे लिखना चाहिए तरीके से। अब वाई के अंदर गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 9y - 3y - 27 इजिकल टू 0, एक गुणनखंड ये, एक गुणनखंड ये, ठीक। पहले में y कॉमन ले लिया हम तो बचे क्या y प्लस 9, दूसरे में हमने 3 कॉमन ले लिया तो बच जाएगा y प्लस 9 इजकल y प्लस 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर टोटल से कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 कॉमन आएगा, यहाँ के y माइनस 3 बराबर 0। अब लिखो यदि y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा -9, यदि y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, तो y के दो मान आएंगे हमारे पास, -9 भी और -3 भी, दोनों y के मान ही, ठीक है। तो y का ये हमें मान ज्ञात करना था, इसको आप नोट कर लीजिए ध्यान से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, ये हमने 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन स्वयं देखना, आप 10 क्वेश्चन हम थोड़ा सा ले लेते हैं 10, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे हम 10। एक्स 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 और वाई में ऐसे संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक्स वाई बिंदु इतने से समदूरस्थ, यानी ये एक्स वाई जो बिंदु है ये एक बिंदु, ये दो बिंदु दे दिए इसमें हमें, एक तो 3 व 6 और एक दे दिया हमको -3 व 4, इनसे क्या है समदूरस्थ है,
तो हमें ये दूरी इनके बीच एक रिलेशन प्रूव करना है बस। तो इसको हमने बोल दिया ए, इसको बोल दिया हमने सी, बी इसको बोल दिया हमने सी, यानी हमको दिया है ए बी इजिकल टू ए सी। ठीक है, जैसे हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करो, यानी पहले में से पहला घटाओ, एक्स में से तीन घटाओगे, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर का वर्गमूल इजिकल टू ए सी। हम कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स माइनस थ्री तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर का वर्ग करने पर अब वर्ग करेंगे तो ये वर्ग मूल हट जाएगा, इसमें सूत्र लगा देंगे हम पहले में ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो ये एक्स स्क्वायर तीन का स्क्वायर नाइन माइनस सिक्स एक्स प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस छत्तीस माइनस बारह वाई इजिकल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस एट वाई। क्लियर, ये हो गया। अब इनको एक्स एक्स को हम ऐड कर लेंगे, ये इसको एक ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा हमारा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, बाकी जो शेष पद बचेंगे उसको हम लिख देंगे। तो माइनस का सिक्स एक्स और माइनस के बारह वाई और छत्तीस और नौ पैंतालीस बराबर इधर जोड़ देंगे सिक्स एक्स माइनस एट वाई और सोलह और नौ पच्चीस प्लस 25। ठीक है, अब इन पदों को आप या तो इन पदों को राइट साइड में शिफ्ट कर लो या इनको इधर ले आओ, इन्हीं को लेफ्ट में ले आएंगे, तो इनको इधर ले आएंगे तो देखो सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व वाई प्लस 45 माइनस सिक्स एक्स प्लस एट वाई माइनस 25 इजिकल टू जीरो। ठीक, तो सिक्स सिक्स ट्वेल्व माइनस के 12x और 12 और में से 8 घटा देंगे माइनस के 4y और 45 में से ये घटाएंगे प्लस कितना बचेगा 10 20 बराबर 0। इसको 2 से भाग दे दो, चाहे इसको 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दें तो माइनस के 3x माइनस 4 से भाग देने पर, माइनस 4 से भाग देने पर तो 4 × 12 3x प्लस वाई माइनस 4 × 5 = 20 इजिकल टू जीरो। तो ये एक रिलेशन प्राप्त हो गया हमको, ये एक रिलेशन प्राप्त हो गया, इसको नोट कर लीजिए, ये हमारी पर्सनली कंप्लीट होगी। अब हम नेक्स्ट पर्सनली स्टार्ट करते हैं, इसको नोट करो अभी। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं, 7.2। और 7.2 जो एक्सरसाइज है इसमें हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर वन हम बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर वन में दिया उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस एक व सात, देखो ऐसे है बिंदु के नाम माइनस एक व सात और दूसरा बिंदु चार व माइनस तीन को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में काटता है। किस अनुपात में काटता है, 2:3, यदि ये 2 हो ये 3 इस तरह से काट रहा है तो अंत विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करनी। अब हमने बात की थी अंत विभाजन के निर्देशांक, कैपिटल एक्स बराबर क्या बोला था हमने, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन और वाई बराबर हमने बोला था एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन। तो m अब यहाँ पर हमें ये पहचान, ये बिंदु होगा x1, ये y1, ठीक, और ये बिंदु होगा x2 और ये होगा y2 और ये बिंदु होगा m, ये होगा n। समझ आ रही बात, यानी ये m होगा ये n। अब हम सूत्र में मान रख रहे m की जगह क्या रख रखा है, 2 गुना x2 का मान कितना 4 प्लस n का मान कितना दे रखा है 3 गुना x1 का मान कितना है माइनस 1 अपोन m प्लस n यानी 2 + 3। अब इसको हल करें, 4 × 8 माइनस 3 × 3 अपॉन 5, 8 में 3 घटाएगा 5, 5/5 बराबर 1। ठीक, इसी प्रकार अब हम यहाँ हल करें, m का मान कितना 2, y2 का मान कितना दे रखा है माइनस 3 प्लस n, n का मान 3, y1 का मान कितना 7
बटे 2 + 3 बराबर 2 + 3 6 माइनस 6 7 + 3 21 प्लस 21 बटे 5 21 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 15 15 बटे 5 बराबर आ गया 3। तो बिंदु क्या आ गया, वो बिंदु आ गया हमारे पास 1 / 3। ठीक, इस तरह से अंतर विभाजन के निर्देशांक ज्ञात हो गए पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बिंदु 4 - 1 और 2 - 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजन करने वाले निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको हम देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा सवाल दिया, दूसरा सवाल इसकी हम डिस्कस करते हैं कैसे करना। देखो इसको नोट कर लेना आप, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा, बिंदु 4 - 1 -2 - 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजन। देखो 2 - 3 ऐसे ही है, 2 - 3 इसको जोड़ने वाले समत्रिभाजन ए बी सी, ठीक है, तीन भागों में जोड़ने वाले। तो देखो एक तो बिंदु ये हो गया, दो भागों में बट गया, समत्रिभाजन कहा, समत्रिभाजन समान तीन भागों में बांटना इसको। क्या कहा, बिंदु इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात को समत्रिभाजन। ध्यान दीजिए, अगर सम इधर इधर 1 है तो इधर 3 है, ये कह दे इसने समत्रिभाजन, बट गया ना, यानी इधर एक भाग है तो इधर तीन भाग, समत्रिभाजन समान तीन भागों में नहीं, समत्रिभाजन समत्रिभाजन ये कहा ना, समत्रिभाजन का मतलब तीन भाग समान तीन भागों में। तो ये अगर एक है तो ये दो होगा, अब होगा समान तीन भाजन में, ठीक है, ये एक भाग है तो ये दो होगा। अब हमारा आसान होगा, जैसी प्रॉब्लम हमारे पहले थी, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये m ये n, ठीक है, अब आप इसको उसी फॉर्मूले में मान रखेंगे, आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम इस अलग सवाल नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं, चौथा सवाल पढ़ते हैं हम। बिंदु -3, 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 - 6 किस अनुपात में विभक्त करता है। देखो ये बिंदु दिया, ऐसा सवाल हमारा, -3 - 10 और भाई दूसरा दिया -6 - 8, तो इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 - 6 किस अनुपात में विभक्त करता है, किस अनुपात में, यानी m और n की हम मान ज्ञात करना है, को दिया है उस बिंदु के निर्देशांक कितने दे, -1 - 6 ये दे दिया, तो m और n के हम मान ज्ञात करने। अब ध्यान दीजिए, तो भाई कैपिटल x की इक्वल टू क्या होगा, mx2 + nx1 / m + n, x का मान दे दिया हमें -1, m का मान हमको ज्ञात करना प्लस m इंटू x2 का मान है 6 प्लस n का मान भी ज्ञात, x1 का मान है -3 बटे m प्लस n, ठीक, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m प्लस n किस में गुणा करेंगे और इसकी पूरे गुणा इधर करेंगे, तो m प्लस n गुणा 1 माइनस 1 में करेंगे तो -m - n बराबर आ जाएगा 6m - 3n, ठीक, इनको दोनों को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो 6m - 3n + m - n = 0 आ गया, ये भी प्लस का होगा, ठीक है, तो 6m और ये क्या 7m और 3 और ये कितना हो जाएगा -2n = 0, यानी 7m = इधर आ जाएगा 2n, ठीक है, तो इस 7 को उधर भेज देंगे हम, m को उधर भेज देंगे, तो m/n = आ जाएगा हमारा 2/7, या m/n = आ जाएगा 2:7, तो ये अनुपात है जिसमें विभक्त कर रहा है, ओके सॉरी। तो इस तरह से हम इस सवाल को आसानी से हल कर पाए, क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, इसको नोट करना आप। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं, सॉरी 4 था ये, क्वेश्चन नंबर 4
अब हम कुछ सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण जो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दो सवाल ले रहे हैं इस चैप्टर से। हम क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, 5 देखना, 5-6 देखना, 7 ले रहे हैं, 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 क्वेश्चन दिया है। ए बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए बी वृत्त का व्यास है। देखो ए बी वृत्त का व्यास है, ये इसका सेंटर होगा। ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जिसका केंद्र 2 व -3 है, 2 व -3, 2 व -3 है, और बी के निर्देशांक 1 व 4 है, 1 व 4 है। ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो देखो ये एक रेखा है, ये इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक दे दी, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगता है हमारे पास कैपिटल एक्स बराबर x1 + x2/2। इसको हमने मान लिया x1, इसको मान लिया हमने y1। तो x का मान कितना दे दिया 2, मध्य बिंदु है ना 2 इसका, बराबर x1 का मान कितना है, x1 का मान x1 प्लस x2 का मान कितना 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x1 + 1 = 4, x1 = 4 - 1, यानी x1 = 3। ठीक, x1 का मान कितना आएगा 3। इसी प्रकार y का, तो y बराबर y1 + y2/2। y की जगह कितना दे रखा है -3, y1 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी और y2 का मान दे देगा 4/3। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 + 4 = 3 × 9 -9, y1 = -9, 4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू कितना आएगी -13। तो बिंदु क्या आएगा, यो बिंदु आ गया हमारा 3 व -13, 3 व -13। तो इस तरह से हम इसको आसानी से हल कर पा सकते हैं। ठीक है, यदि इसके बाद का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम 8, यदि ए और बी क्रमशः -2 - 2 और 2 - 4 को बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी इतना है। अच्छा, इससे पहले हम एक प्रॉब्लम और ले रहे हैं, ये 9 ज़्यादा ही सेलेक्टिव प्रॉब्लम है, इसको ले लेते हैं पहले हम। 9 में कहा ए बी ये कोई रेखा है, ए के निर्देशांक -2 व 2 और बी के 2 व 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये सब 4 बराबर भागों में बांटता है। देखो सबसे पहले तो हमने इसके मध्य बिंदु से बांट दिया, इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। इसके निर्देशांक ज्ञात कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ो, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या हो, x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 का मान -2 और +2, देखो -2 + 2/2, 2 + 2 और 8, 2 + 8/2, -2 और 2 कितना 0, 0/2, 0, और 2 और 8 = 10, 10 का आधा = 5। तो इसके निर्देशांक कितना आएगा 0 व 5 आ गए, ये हमने हल कर लिया 0 व 5। ठीक, अब हमने इसको और इसका मध्य बिंदु निकाल दिया, इसका और इसका, देखो इसका इसका मध्य बिंदु -2 + 0/2, 2 + 5/2, तो -2/2 का मतलब -1, और 2 और 5 = 7/2, यानी इसके निशान कितना -1 व 7/2 आएगी। ठीक, इसी प्रकार अब इसके ज्ञात करो हम दूसरे वाले के, इसके और इसके मध्य बिंदु, तो यहाँ 0 + 2/2, 5 + 8/2, 2/2 का मतलब 1 और 8 + 5 = 13/2, तो ये किसके निशान 1, 13/2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये 4 बराबर भागों में बट गया, देखो 1, 2, 3, 4, यही इसका आंसर था। इस तरह से हम कर लेना था 4 बराबर भागों में इस रेखाखंड को हमको क्या करना था, बांटना था। ठीक है, तो ये इस तरह से हम आसानी से इसको हल कर पा रहे हैं। एक सवाल इसका अगला दे रखा, 10वां, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दे दिए, चतुर्भुज दे दिया और संकेत में दे दिया चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × विकर्णों का गुणनफल। इसका थोड़ा हिंट्स बता देते हैं 10वें क्वेश्चन का हम आपको, 10वें क्वेश्चन का हिंट्स बता देते हैं। देखो ये कोई चतुर्भुज दे दिया हम, ए
बी सी डी, ठीक है, ये बी है और इनके निर्देशांक दे दिए हमको 3 बाय 0, ओस के निर्देशांक 4 बाय 5, सी के निर्देशांक दे दे -1/4 और ये दे रहा है -2/-1, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसके जो विकर्ण है इनकी वैल्यू हमको ज्ञात करना। एक विकर्ण तो हमारा ए सी है, ध्यान दीजिए ए सी, ए सी का हम मान ज्ञात करेंगे यहाँ से कैसे, देखो इनकी बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो 3 - 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 का होल स्क्वायर, माइनस एक है ना ये प्लस, प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, इसको हल करेंगे 3 और 1 = 4, 4 × 16 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 16, तो 16 × 16 = 32, ये आएगा वर्गमूल 32 ए सी। इसी प्रकार हम निकालेंगे बी डी, बी डी ज्ञात करो, बी डी, बी डी बराबर वर्गमूल क्या होगा 4 - - - प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - - प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये हमारे 4 × 2 = 36 प्लस 5 और 36 = 72, कितना आएगा 72 होएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, बराबर आएगा 1/2 × विकर्ण कितना, एक तो √32 आया हमारे पास और एक आया √72, ठीक है। तो ये ही इसका आंसर है, आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं 7.3, और 7.3 में दो टाइप की प्रॉब्लम दे रखी, दोनों टाइप की प्रॉब्लम लेंगे और 7.3 में से एक प्रॉब्लम डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में आपके बनने वाली है, ये तय है। और एक बात का ध्यान रखना, जिस टाइप की प्रॉब्लम हम जो बोर्ड पर सोल्व कर रहे हैं उन टाइप की प्रॉब्लम से ही बोर्ड में एग्जाम्स में प्रॉब्लम पूछी गई है, इसलिए इनको ज़रूर आप ध्यान से सोल्व आउट कर लेना। पहला क्वेश्चन लेते हैं 7.3 का, फर्स्ट ही ले लेते हैं हम, फर्स्ट में दिया 2, 3 - 1/0 और 2 - 4, कहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनके शीर्ष ये है, तो इसको कह दिया हमने x1, इसको कह दिया हमने y1, इसको कह दिया हमने x2, इसको बोल दिया y2 और इसको x3, इसको y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भाई 1/2 × x1 × y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, ये हमारा फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूले में मान रख दिया हमने x1 की जगह क्या आया 2, देखो 2 × y3, y3 की जगह क्या y2 - y3, y2 की जगह कितना है 0 और y3 की जगह कितना 0 = 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस x2 की जगह कितना है -1, तो माइनस प्लस माइनस, y3 का मान -4 और y1 का मान कितना 3 - 3 प्लस x3 की जगह क्या 2, y1 की जगह क्या 3 और y2 की जगह कितना 0, ओके। आप ये मान रखेंगे ना सूत्र में, सूत्र में मान रखने आनी चाहिए प्रॉपरली और फिर इसकी कैलकुलेशन तो आसानी से हो जाएगी अगर मान तरीके से आपने रख दिए 1/2 × देखो ये कितना 4 = 8, 2 × 4 = 8 और ये कितना था x2 का मान तो -1 था ना, देखो -1 तो 4 × 3 = 7, माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 7, ठीक है, और ये 3 + 0 = 0, 3 × 2 = 6 + 6, ठीक है, इनको हम ऐड कर लेंगे 6 × 8 = 14 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे 21 बराबर 21/2 वर्ग मात्रक, ये इसका आंसर आएगा, ठीक। जैसे ये फर्स्ट किया हमने, इसी प्रकार आप इसी का सेकंड और इसी का थर्ड कर सकते हो, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर ये 2 ले रहे, निम्नलिखित में से प्रत्येक में से k का मान ज्ञात करो ताकि बिंदु संरेखीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको हम ले लेते हैं 2 का फर्स्ट ले लेते हैं,
सेवन वो माइनस टू, फाइव वन, थ्री वह के, के का मान ज्ञात करना यदि तीनों बिंदु सररेखी है। यह ध्यान रखना, ये पहले में बात की थी, यदि ये तीनों बिंदु सररेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, जीरो होगा। तो उसे त्रिभुज क्षेत्रफल जीरो के बराबर रखेंगे तो यहाँ से के का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको हमने कह दिया x1, इसको कह दिया y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। अब सूत्र मान रख दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। ठीक, अब सूत्र मान रख दिया, एक बटे दो एक्स वन की जगह क्या रखेंगे, सेवन, वाई टू की जगह क्या रखेंगे, वन, वाई थ्री की जगह क्या है, के, वन माइनस के, वन माइनस के, प्लस एक्स टू की जगह कितना लिखेंगे, फाइव, वाई थ्री की जगह के, वाई वन की जगह टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री की जगह थ्री, वाई वन की वैल्यू माइनस टू और माइनस वन। ठीक, ये पूरी वैल्यू बराबर रखेंगे हम जीरो के, क्लियर है। दो के गुणा उधर कर देंगे तो जीरो ही हो जाएगा, सात गुणा एक में करेंगे, सात माइनस सात के, ठीक, प्लस पाँच के प्लस दस, और दो और ये कितना हो जाएगा, तीन, तीन तिया नौ माइनस नाइन बराबर जीरो, इनको जोड़ दो के, और ये कितना हो जाएगा, माइनस के टू के, और दस मस नौ घटाएंगे कितना हो जाएगा, एक, एक और ये हो जाएगा आठ बराबर जीरो। तो माइनस टू के बराबर आठ उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से के बराबर आ जाएगा माइनस आठ बटे माइनस दो, माइनस से माइनस कर जाएगा तो के का मान आ जाएगा दो चौक आठ, के का मान कितना आएगा, चार। तो इस तरह से हम के का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका जैसे फर्स्ट कर दिया हम, ऐसे इसी का सेकंड आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखना तीसरा सवाल, शीर्ष ये वाले त्रिभुज की, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से मरने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस क्षेत्रफल का दी हुई त्रिभुज के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका हिंट्स बता देते तीसरे का, चौथा देख लो, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये है। ठीक है, अब इन दोनों का हिंट्स बता देते हैं ताकि आप आसानी से इनको हल कर सके, इनको नोट कर लेना। देखो तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में क्या दिया है, त्रिभुज के मध्य बिंदु, देखो ये को त्रिभुज है भाई, ए बी सी, इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे पहला, फिर इसके मध्य बिंदु, ए ये इनके मध्य बिंदु से एक त्रिभुज ये बन गया, इसको बोलेंगे डी ई एफ। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, पहला त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, सबसे पहले इसको ज्ञात करेंगे, फिर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे और इनकी तुलना करेंगे कि इनका एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, बस वो ज्ञात करना था हमें तीसरे में। ठीक है, अच्छा चौथा सवाल जो आपको दे रखा है, चौथा सवाल है हमारा ऐसे, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात है जिसके शीर्ष दे रखे। देखो ये भाई कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो इसका कोई एक विकर्ण बना लो। अब ये दो त्रिभुज बन गया तो सूत्र लग जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब इन दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल हम ज्ञात कर देंगे, ये ए और सी जो बिंदु हो गए दोनों त्रिभुजों में कॉमन हो जाएगा, तो इन दोनों का इसका क्षेत्रफल अलग से ज्ञात करेंगे, इसका क्षेत्रफल अलग से ज्ञात करेंगे और फिर इसे सूत्र में रखकर इसको मान को हम जोड़ देंगे। सवाल को हल करना, अगर उत्तर आ गया सही आंसर आया तो आप कमेंट करना, और यदि नहीं आया तो आप तब भी कमेंट कर सकती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध रहेगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।